नमस्कार, स्वागत है वीके न्यूज एमपी में। मैं हूं आपके साथ प्रवीण चौहान। मध्य प्रदेश में चुनाव क्या है, हर छोटे बड़े नेता एक्टिव हो गए। हर दिन एक नई बयानबाजी देखने को मिलती है, ना तो कांग्रेस पीछे है और ना ही बीजेपी। पहले यह बयानबाजी ट्विटर पर देखने को मिलती थी, लेकिन अब तो खुले तौर पर जुबानी जंग और पब्लिक कार्यक्रम में देखने को मिलती है। ताजा बयान प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि पता नहीं कमलनाथ जी को क्या हो गया है, देख लूंगा, निपटा दूंगा, आ रहा हूं, जैसी बातें कर रहे हैं। खुले मन से लोकसेवक को लगातार धमकाने का काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा है। क्या है खबर, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी की सदस्यता के बारे में पूछे गए सवाल पर कहा कि कांग्रेस के मित्रों को पता नहीं क्या हो गया है। बड़े आसान था कि राहुल गांधी ओबीसी वर्ग से माफी मांग लेते, लेकिन कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के मित्रों को पता नहीं क्या हो गया है। बड़ा आसान था ओबीसी से माफी मांग लेते राहुल जी, लेकिन कोर्ट के फैसले पर टिप्पणियां की जा रही है, सवाल उठाए जा रहे हैं, उंगलियां उठाई जा रही है। यहां तक के माननीय न्यायाधीश के बारे में भी उल्टा सीधा बोला जा रहा है। अब आप एक तरफ कोर्ट में जाते हो, दूसरी तरफ कोर्ट के बारे में भी ऊटपटांग बोलते हो। आखिर क्या हो गया? क्या आप जो कहते हो वही सच है? राहुल जी को अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए, ओबीसी से माफी मांगनी चाहिए, और कम से कम ये लोकतंत्र है, कांग्रेस के नेताओं को न्यायपालिका का अपमान नहीं करना चाहिए। पूरे देश का विश्वास और भरोसा है तो न्यायपालिका पर है। इसके बाद उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के उस बयान का पलटवार किया, जिसमें कमलनाथ ने कल सागर में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमला बोला था। आपको सुनाएंगे शिवराज सिंह चौहान का वो बयान, लेकिन उससे पहले आप भी सुनिए कल सागर में कमलनाथ ने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को क्या कहा था। सागर जिला पूरे प्रदेश में मशहूर है। किस बात के लिए मशहूर है? भारतीय जनता पार्टी के अत्याचार के लिए मशहूर है। भारतीय जनता पार्टी का टारगेट अत्याचार के लिए सागर रहा है। अब 5 महीने बचे हैं, कांग्रेस की सरकार बनेगी और सुन लीजिए, ये सब नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता कर्मचारी सभी सुन लीजिए, 5 महीने बाद सागर हमारा टारगेट बनेगी। कमलनाथ के इस बयान के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर जोरदार पलटवार किया है। क्या है वो पलटवार, आप भी सुनिए। लगता पता नहीं कमलनाथ जी को क्या हो गया, देख लूंगा, निपटा दूंगा, आ रहा हूं। लोक सेवक धमकाना किसी भी हालत में उचित भी नहीं है, नैतिक भी नहीं है। भाई वो भी इंसान है, उनका भी सम्मान होना चाहिए। मुंह में आया और कह दिया कि मैं देख लूंगा, क्या क्या देख लोगे? क्या ये भाषा उचित है? निंदा करता हूं। तो फिलहाल कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान के बयान के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर में इतना ही, बने रहिए वीके न्यूज एमपी के साथ। नमस्कार। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा, देश सुनेगा।